वो सब लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स से वो बड़ी एक्सपर्ट। अभी अभी जल्दी मैं उठा हूँ और लेट हो रही है, हम सब लोग तैयार होके जा रहे हैं। पीछे छोटा एक्सपर्ट में और बाबा हमेशा की तरह, और बाबा ने बोला जल्दी लेट हो गई है, बाबा की आँख लग गई थी जिसकी वजह से मैं तो लेट सोया हूँ, तो मेरी आँख तो वैसे ही नहीं खुलने वाली थी। चादर बिछाते बाबा, ईद मुबारक मम्मी, वायरस आई ईद मुबारक गद से तो पे वाली वायरस शायद ईद मुबारक ये नहीं मिलती है ना तो गरीब है। ईद मुबारक क्या देखो, चादर चादर उठाओ अभी। अरे मम्मी बी बाबा भाई, कब से काम स्टार्ट किया है दूध लेना, आखिर में आ रहे हो, खैर तो है। चाय बना रहा है क्या? भाई ये आज चाय दे पिलाओ ना, आज होटल बोटल बंद पड़ा है भाई। खीर तुम्हारा तुम बनाओ, हमें पियाओ भाई। घर वाले ने खुद बना के आया था, घर नहीं ये क्या है फिर इतना बड़ा? ये बड़ा घर हमारा नहीं है, दूसरों लोगों का। वो कोई कभी उठा है? अभी ईद के नमाज के लिए कोई उठा नहीं है। ईद नमाज पढ़ के आए हो? हम पढ़ के आए। ठीक हो गया नमी, तुम लेट पहुँचे हो, सब लोगों से ईद मिली पर तुम सबसे लेट पहुँचे हो। यार बाबा ने बोला दूध लेके आओ। दूध ठीक है ठीक है। तो आजकल ये सीन चल रहा है बहुत लोगों ने ना, मतलब मुझे लगता है सर 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 ईद मुबारक सर, बहुत लोगों ने कुर्बानी नहीं की क्योंकि लॉकडाउन वगैरह शिट था। अब पता नहीं अल्लाह केयर करे, हर बंदे की अपनी अपनी सिचुएशन है। और आप लोग कहते होंगे बड़ी भाई आप लोगों ने क्या किया है, नौमी सही तरीके से बता सकेगा? नौमी भाई मर गए हैं। अच्छा गर्मी है भाई, बहुत लोगों ने क्या है कि कुर्बानी नहीं की, तो हमने क्या किया है, पति की है। पति का मतलब होता है कि हिस्सा, हिस्सा मतलब लाइक लास्ट टाइम हमने बछड़ा किया था, पादा सिंधी में कहते हैं, तो अभी हमने हिस्सा किया है। मतलब एक हिस्सा होता है वो मस्जिद में डोनेट करना पड़ता है, उसका गोश्त का कुछ हिस्सा हमें मिलता है, फिर उसको डिवाइड करके फिर आगे देना पड़ता है। बाकी आप समझते होंगे। बाकी देखो हमारे प्लाजा में बहुत बकरे आते थे और इस वक्त माशाल्लाह एक दो और तीन चार बकरे आए हुए। मुस्तफ़ा भाई ने इस वक्त कुर्बानी पाँच कुर्बानी नहीं की। मुस्तफ़ा भाई आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा माल नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त जो सिचुएशन है बहुत लोगों ने मतलब कुर्बानी नहीं की, आपने भी नहीं की, मतलब वजह क्या है? हमेशा आप करते हो? नहीं भी कर सकता हूँ, टाइम है अभी नहीं है, मतलब अभी भी तुम्हारा सिचुएशन मतलब वैसे इसके मतलब वैसे ही चल रहा है कि बकरे वगैरह कोरोना वोरोना हो जाए तो बेड़ी बुझी है नहीं ना, बकरों को कोरोना कहाँ होगी यार, तो टेस्ट कर नक में बजे या ये कर बकरों सिंगना में कुछ न कर दो दंत चेक करवा ना ये वठी है चाने ने मत है हलो भला थोड़ा दिसू खणी क्या देख मास्टरन जा कणदा हूं
और अभी सब लोग लाइव स्ट्रीम में आ रहे हैं, कमेंट करो कमेंट करो। 99 लाइक्स, 100 लाइक, 100 लाइक्स, फाइनली गाइस, फाइनली गाइस, थैंक यू सो मच, मेहनत रंग लाई, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। वैसे नींद बहुत टाइट आ रही है और आप लोगों को पता होगा कि YouTube के एल्गोरिथम में खून दिखाना अलो नहीं है, अगर खून दिखाते तो वीडियो वो आगे नहीं चलती, वीडियो को ब्लॉक किया जाता है। जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उनको गुजारिश है कि मुझे गोश्त दे के जाओ। लास्ट टाइम भी लॉकडाउन था पर इस वक्त पता नहीं क्यों ईद में सन्नाटा सन्नाटा फील हो रहा है और सब लोग सोए हुए हैं, बस क्या करें भाई। नवी साहब को आज फोटोग्राफ्स थोड़े निकलवाने थे ईद के अपडेट के लिए और लास्ट टाइम भी मैंने नहीं रखे थे और इन्होंने रखे थे, फिर मुझे भी लगा कि यार हाँ इस वाली ईद पे मुझे भी अपलोड करना चाहिए इंस्टाग्राम के लिए फोटो। अभी जो लेटेस्ट वर्जन वाली फोटो है वो मेरी मतलब पिछली ईद वाली है और फिर मैंने बीच में कोई भी फोटो नहीं अपलोड। हाँ देखो धूप कितनी कड़कती धूप है और अभी मुझे थोड़ा सा ब्लॉग डे टाइम में कवर करना है, ओके, उसके बाद मुझे है सोना और आई मीन आई वांट टू स्लीप। बहुत गर्मी है शदीद और सोया नहीं हूँ रात को, पर ब्लॉग तो बनाना है, पता नहीं क्यों आँखें नहीं खुल रही, फोटो शूट कैसे होगी यार। मैंने बोला था सनग्लासेस लेके आते यार, नए सनग्लासेस लेने थे, इतनी जल्दी थी जब हम शॉपिंग करके वापस आए, बहुत लेट नाइट हो गई थी, 11 समथिंग 11:30 ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से हमें वापस आना पड़ा। और घर वाले को तो पता ही होगा आप लोग को, कुछ फोटोग्राफ हम दोनों ने कैप्चर किए हैं वो अपने मुझे अपने इंस्टाग्राम पे रखनी है, इसको अपने इंस्टाग्राम पे रखनी है। मेरे हिसाब से तो मेरी फोटोज अच्छी है, बाकी इसके हिसाब से इसको पोजेस नहीं आते, बाकी ये घर जाके चेक करेगा, अगर कोई भी अच्छी लग गई तो इसको अपलोड करनी है। मुझे भी अभी अभी अपलोड करनी है, टाइम कम है, ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा और अभी बहुत कड़कती धूप है, मेरी स्किन जल रही है इस वजह से भाई मैं जा रहा हूँ एसी में, शुक्र है कि एसी सही है भाई। अभी नवनी की स्लो मोशन बनेगी टिकटॉक, 1 2 3 गो। और ईद वाली रात ऐसे ही बंदा दोस्तों के साथ अपने इंजॉय करता है, पर आज हम एक जगह बैठ के टोबू कर रहे हैं। वैसे गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मेरी दोस्त की गाड़ी का, वो पेट्रोल डलवा रहा है और देखते हैं एक दो दोस्त उधर से भी आ रहे हैं। भाई क्या हाल है, ठीक ठाक हो? खुश खैर अलहमदुल्लाह। भाई इंशाल्लाह बस दोस्तों के पास जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़। हो गया काम? हो गया भाई, हो गया। हाँ, हो गया। ओके ब्रो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हमें हिस्सा लेना था और वो मैं लेके अभी अपने घर की तरफ निकल रहा हूँ। वैसे आज मैं सोया था रात को 8 बजे, अब्बा ने उठा दिया मुझे तकरीबन 10 बजे, 2 घंटे नींद की है मैंने। और एक ये हिस्सा और दूसरा इसमें आउटफिटर की शॉपर में मतलब इसमें पाए हैं, तो हमने पति की थी अब मैंने आप लोगों को बताया। और बस आज का व्लॉग इतना रखते हैं, गोश्त लेके हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे मोहल्ले में और उसके बाद अल्लाह पाक रहम करेगा, फिर आज एक नए व्लॉग में मिलते हैं। दुआ में याद कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू गाइस एंजॉय दिस व्लॉग, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, बाय।